हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो में कुछ अनोखा करने जा रहे हैं भाई। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चल रही है, मक्खन जैसे चल रही है, कोई बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस है। और क्या कुछ करने वाले हैं इसके ऊपर, तो यूट्यूब पे आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी सर्च करते होंगे थ्रोटल बॉडी क्लीनर घर पे बैठे कैसे कर सकते हो, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और पता करते हैं कि कितना क्या कुछ कारगर है ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर। जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो वुर्थ का है, इसको देख लो आप, कार्बोरेटर इंजेक्टर क्लीनर। ये थ्रोटल बॉडी बनी हुई है हमारी, कार्बोरेटर थ्रोटल बॉडी क्लीनर। पहले कार्बोरेटर आया करते थे मैंने, वाला आजकल इलेक्ट्रिक थ्रोटल बॉडी आती है। तो ये प्रोडक्ट है भाई, इसके MRP वगैरह ये आप देख लो, ये कितने रुपये का है, 250 रुपये इसकी MRP आपको मिल जाएगा, 200 रुपये के आसपास। तो ये है गाड़ी, और गाड़ी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्मूथ चल रही है मक्खन जैसे। तो इसका मैंने बोनट खोल दिया है पहले ही, और इस चीज़ को काम में लेने के लिए हमें क्या चीज़ें गाड़ी से हटानी पड़ेगी और क्या चीज़ें हैं जिससे साफ़ होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चीज़ को काम में लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले हमें ये एयर फिल्टर असेंबली हटानी पड़ेगी गाड़ी से। तो इसके लिए हमें 12 का स्पिनर चाहिए, ये वाला एक है और ये वाला नट है, ये दोनों में हटाने पड़ेंगे और ये असेंबली इसको बाहर निकालनी पड़ेगी। और इससे क्या चीज़ साफ़ होगी, तो वो ये है हमारी, इसको बोलते हैं थ्रोटल बॉडी, ये क्लीन होगी। ये कितना क्लीन कर पाता है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और क्या कुछ जो यूट्यूब पे फेंकते रहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं कि हमारा माइलेज बढ़ गया सर, हमारा पिकअप बढ़ गया सर, ये वो, तो भाइयों ये कितनी कारगर है थ्रोटल बॉडी क्लीनर से, कितना क्या कुछ इम्प्रूव आता है गाड़ी के अंदर, इम्प्रूवमेंट आता है, तो वो आज हम एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। पहले बता रहा हूँ गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना पिकअप की दिक्कत है, ना माइलेज की दिक्कत है। माइलेज तो इसका पहले से स्टार्टिंग से ही कम था और ये आज भी 14-15 का ही देती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि कितना क्या कुछ इससे इम्प्रूवमेंट आता है गाड़ी के अंदर। और पहले इसमें इसको स्टार्ट करवा के एक बार इसकी आवाज़ वगैरह नोटिस करा देता हूँ, और कितना क्या कुछ है, ये कितना स्मूथ चल रही है, स्मूथ है इंजन वगैरह, कितना वाइब्रेशन है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने फाटक खोली और गाड़ी को मैंने ऐसी जगह लगाया है जहाँ से फाटक भी नहीं रुक रही है, तो ये की हमारी लगाई और देख लो, और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है ना। तो ये क्लच बेयरिंग की आवाज़ है, मैंने क्लच प्लेट वगैरह, क्लच बेयरिंग वगैरह सब कुछ चेंज करा दी, पूरी असेंबली चेंज करवा दी, लेकिन फिर से आई आवाज़ आने लग गई। नोटिस करोगे तो आएगी, आएगी नहीं इतना। तो गाड़ी कितना चली है ये देख लो, 53,000 से लिए अब तक। और ये चीज़ें कितनी कारगर है, इंजन वाइब्रेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लो आप, ये गाड़ी स्टार्ट है अभी, और वाइब्रेशन देख लो इसकी, ये अगर हिल रही है नोज तो ये इसका वाइब्रेशन है इसमें, और जो भी है जो ये है आपके सामने। वाशर भी नहीं लगाया इसका, और बिना वाशर के इसको नट को टाइट कर दिया, इससे ये जो इसका रबर गवर्नमेंट है ये फट चुका है। और ये देख लो इसकी हालत, ये पूरा ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो ये नया लगवाना पड़ेगा कभी सर्विस सेंटर जाएगी तो। बिना वाशर के लगाने से ये फायदा होता है। अब ये देखो, ये मैंने हटाया है तो एक में वाशर है और एक में वाशर है ही नहीं, तो उसकी वजह से ये हमारा ख़राब हो चुका है। फिर कोई नहीं, ये नया लग जाएगा। ये हमारी एयर फिल्टर असेंबली है, बिल्कुल साफ़ है क्योंकि नई लगी थी गाड़ी के ऊपर। और इधर से मैं आपको बताऊं तो एक बार इसको रखते हैं साइड, और इधर से मैं आपको बताऊं एक बार तो ये हमारा कुछ इंजन की कंडीशन है, बाहर से साफ़ सुथरा है, हल्का पुल्का, इसके नीचे साफ़ नहीं कर सकते, डस्ट वगैरह रहती है। तो ये देखो, ये हमारी थ्रोटल बॉडी, इसकी ये कंडीशन है ना। तो इसको इसकी मदद से साफ़ करने वाले हैं और देखने वाले कि ये कितना कारगर है। तो फटाफट से साफ़ करना प्रोसेस स्टार्ट करते गाड़ी, इसके लिए हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके एक्सेलेट करना पड़ेगा, और उसी टाइम पे इसको हमें थ्रोटल बॉडी पे कुछ
मैं आपको इधर करके बताता हूँ, कुछ इस तरीके से स्प्रे करना है। तो इस तरीके से स्प्रे करेंगे तो ये हमारा जो भी कार्बन डिपॉजिट हुआ है उसको ये यहाँ से रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद ये जो हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन इनलेट में होके हमारे सिलेंडर में जाएगा। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद ये जो कार्बन है एग्जॉस्ट की मदद से बाहर निकलेगा। तो ये चीज़ें है ना हार्मफुल होती है हमारे इंजन के लिए, वैसे ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये कितना यूज़फुल है ये चीज़ें, और कितना क्या कुछ नुकसानदायक है वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये है, फटाफट से इसको क्लीन करते हैं, उसके लिए हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को सबसे पहले। तो देखना अभी थ्रोटल बॉडी खुलेगी, इग्निशन ऑन होते ये हिली, और ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ये काला काला जो दिख रहा है, ये कार्बन जितना भी डिपॉजिट हो रहा है ये है इसके ऊपर। स्टार्ट कर, क्लच दबा, ये इतना डांस करता है और इतना ये थ्रोटल बॉडी आइडल पे खुली रहती है। देख लो ये थ्रोटल बॉडी इतना आइडल पे खुली रहती है, रेस लगा, ये देखो लगा, रेस लगा। तो ये है, अब ये कितना कारगर है ना, तो इसको साफ करते हैं। तो फोन को मेरे को एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से इसलिए ये स्प्रे करना पड़ेगा, तो उसको स्प्रे करना पड़ता है। रेस लगा 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 रहा रेस, गाड़ी से बिल्कुल स्मेल आने लग गई है। और पीछे दिखाता हूँ मैं, एग्जॉस्ट में कुछ निकला है, लगाइयो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी आ रहा है, सिर्फ पानी है, बस कुछ भी नहीं है। तो ये है साफ करने का तरीका, तो मैं इसको फटाफट से साफ कर लेता हूँ पहले ना, फिर आपको बताता हूँ। भाइयों इसकी मदद से हम इतना ही साफ कर सकते हैं पहले के कंडीशन में, देख पहले की कंडीशन ना मैंने आपको बताई है, पहले में और अब में कितना डिफरेंस है आप यहाँ जज कर सकते हो, देख सकते हो कि ये कितने इफ़ेक्टिव है, ये कितने काम करते हैं, आपके सामने है रिजल्ट। अब मैं इसको हटाने वाला हूँ, हटा के इसको पेट्रोल से अच्छे तरीके से क्लीन करने वाला हूँ, ये सेंसर वगैरह आ रही है, अच्छे तरीके से प्रॉपर क्लीन करके लगाने वाला हूँ। तो ये देख लिया आपने इसका नतीजा, ये इतना ही इफ़ेक्टिव है, ये इतना बाईपास तरीके से साफ़ करता है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, इसको स्प्रे करना होता इजीली, तो ये इजीली आप इजीली तरीके से स्प्रे करोगे तो इतना ही रिजल्ट देगा ये। और बाकी इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना, तो इसको मैं यहाँ से डिसमेंटल करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और फिर इसको बाहर निकाल के फिर प्रॉपर क्लीन करके फिर आपको बताता हूँ कि फिर बाहर निकाल के कितना तरीके अच्छे तरीके से साफ़ करी जा सकती है। इसके अंदर हमें ये 10 के 4 नट दे रखे हैं, जैसे ये वाला स्टड के साथ ही बाहर आ गया, ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये स्टड के साथ बाहर आ गया, ये इसकी बोल्ट है, बोल्ट नट बोल्ट है ये इसके, और ये यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 2 खुल गए मेरे, 2 खोलने, ये आधा खोल दिया मैंने और ये अभी पूरा खोलना बाकी। तो इसके लिए हमें 10 की टी के साथ है ना, 10 का रिंग स्पिनर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके पास सॉकेट स्पिनर है, रेचेट वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप इसको इजीली खोल सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और इसको इजीली बाहर निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा मैंने डीजल डाला है हल्का सा, तो इसको मैं डीजल से साफ़ करने वाला हूँ पहले, और फिर मैं इसको पेट्रोल से साफ़ करके दोबारा इसको रीफिट करूँगा, तो जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएगी। अब मैंने थ्रोटल बॉडी बाहर निकाल ली है और इससे क्लीन कराया था, क्लीन करके मैंने आपको बताया था कि कितना इफ़ेक्टिव है ना। तो ऊपर से आप देखो, ऊपर से अंदर से हमारी थ्रोटल बॉडी का जो ये वाल्व सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, ये साफ़ हो चुका है ना, ऊपर ऊपर से ये साफ़ हो गया। अब मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ, तो इसका दूसरा पहलू देखो, तो ये इतने ही काम करते हैं। तो आप लोग भी यूट्यूब पे देख के ये सब चीज़ें करते हो ना, और करते हो और आप किसी की भी बातों में आ जाते हो, मैंने भी कराया, हमारी वेगनार का भी करा था, लेकिन वो ऊपर ऊपर से साफ़ करा था, लाइन एक तरीके से ऊपर ऊपर से साफ हो जाती है, इससे ऊपर ऊपर से हो जाती है, कार्बन डिपॉजिट होता है गाड़ी में, मिशिंग वगैरह की कुछ शिकायत हो तो वो हल्का फुल्का कम हो जाती है, कुछ टाइम के लिए वो बंद भी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ये चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल ज़ीरो है, वर्थ का है और इससे बेटर कुछ आता भी नहीं है, लेकिन ये मेरी नज़र में ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए है क्योंकि अंदर से देखो इसको,
ऊपर से इसने साफ कर दिया, चमका दिया, लेकिन अंदर से इसकी ये हालत है। तो इसको मैं सबसे पहले डीजल से साफ करता हूँ, डीजल से साफ करने के बाद इसको पेट्रोल से साफ करके प्रॉपर तरीके से वापस इसको लगाऊंगा। तो पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने का प्रोसेस यही है, सिंपल सा। इसको आपको कुछ नहीं करना, छेड़ाखानी नहीं करनी इसको, ना तो खोलना है इसको। आपको अच्छे तरीके से जैसे है ये एज इट इज़, इसी तरीके से इसको साफ करके वापस लगानी है। अगर आपने छेड़खानी करी कुछ और कुछ हो गया इसमें गड़बड़, तो आप पछते ही रहोगे। 10,000 का टोटल बॉडी आता है कंपनी से टाटा का, तो आप परेशान हो जाओगे, धक्के खाते रहोगे इधर उधर। लेकिन गाड़ी का पिकअप वगैरह सब कुछ इसी पर डिपेंड है, तो अगर ये ख़राब हो गई तो आपकी गाड़ी भी ख़राब ही समझ लो एक तरीके से। तो इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल प्यार से साफ़ करता हूँ, साफ़ करके वापस इसको ईजिली फिट हो जाएगी हमारी, यहाँ पर लगी रहती है। देखो इसके अंदर कितना कार्बन वगैरह डिपॉजिट हो रखा है, और इसको खोलने की वजह से ये जो हमारा सेंसर दे रखा है इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। ये जो हमारा सेंसर है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, और इसके अंदर देखो हल्का फुल्का इसमें भी कार्बन डिपॉजिट हो रखा है। तो इसकी वजह से गाड़ी में पिकअप और RPM फ्लक्चुएट वगैरह ये जो होता है ना, वो इसकी वजह से होता है। ये और ये हमारा दो ये मेन चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारी गाड़ी के RPM ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये एक तरीके से इसको समझ लो, इसका फेफड़े समझ लो इसको गाड़ी के। जैसे इंसान के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं ना, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो वैसे ये भी ये दो चीज़ें हैं। इसको एक को लेफ्ट वाला फेफड़ा समझ लो, इसको एक को राइट वाला फेफड़ा समझ लो। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी गाड़ी के अंदर, तो हमारी गाड़ी में पिकअप और RPM ड्रॉप ऊपर नीचे होने की समस्या नहीं होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस गाड़ी में कोई भी पिकअप RPM की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये खुजली होती है ना, वो कहते हैं ना खुजली होती है, तो ये उसकी वजह से मैं ये लेके आया था। हमारी वेगनार का भी करा था मैंने, मामा जी वाली वेगनार का, तो उसमें साफ़ हो गया था, और वो LPG पर चलती गाड़ी, तो उसकी वजह से कार्बन ज़्यादा डिपॉजिट होता है उसके अंदर। तो ये लेके आया था, लेकिन इतना कारगर नहीं है ये, इतना इफेक्टिव नहीं लगा मेरे को। इसमें हल्का फुल्का थोड़ा बहुत रह रहा है, तो मैं इसमें काम में ले लूँगा। बाकी मैंने दिखाई दिया था इसकी औकात इतनी सी है, देखो ऊपर से साफ़ कर दिया, नीचे से इसकी औकात इतनी, नीचे से पूरा गंदा पड़ा है। और अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सारी चीज़ें खोल साफ़ कर रहे हो ना पेट्रोल डीजल से, तो ये जो रबरिंग है ना, ये रबरिंग निकाल लेनी, अगर इस पर गलती से पेट्रोल डीजल लगाना तो ये लूज़ हो जाएगी, लूज़ होने के बाद इसकी फिटिंग नहीं आएगी और लीक लाज के चांसेस रहते हैं। तो इस पर मैं अभी ये खुला है, इस पर मैं अच्छे प्रॉपर तरीके से कपड़ा लगाऊंगी, इसमें कुछ कचरा ना गिर जाए, कचरा गिर गया तो हमारे इंजन के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर कितनी गंदगी है वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसके अंदर इतनी गंदगी है। तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर बोले ना कि तो पूरा हमारी लाइन साफ़ करनी है, क्लीन करनी है, तो उसके लिए हमें ये दो चीज़ें हटानी पड़ती है। इसके साथ 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 ही साथ हमारी जो ये इनलेट है, इनलेट को पूरा डिसमेंटल करके अच्छे तरीके से क्लीन करके लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी गाड़ी में ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ होती है। इसको बोला जाता है प्रॉपर सर्विस। और जो हमें रोड पे सड़क साफ जो बैठे रहते हैं ना, मशीनें ले लेके कि थ्रोटल बॉडी साफ़ हो करवा लो, साफ डीकार्बोनाइजेशन करवा लो, ये वो वगैरह वगैरह, तो मेरे भाई आप एक चीज़ नोटिस करो कि वो चीज़ें सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ़ कर सकती, जैसे कि इसने करा है ना, तो इसने ऊपर ऊपर से चमका दिया, लेकिन अंदर कितनी गंदगी है वो ये देखो, इतना कार्बन डिपॉजिट हुआ पड़ा है। तो उनकी किसी की भी बातों में ना आना, साफ़ करवाना तो किसी अच्छे से मकैनिक के पास जाओ, इनको प्रॉपर तरीके से खुलवाओ, अच्छे से डीजल से क्लीन करके पेट्रोल से क्लीन करके फिर लगाओ, फिर देखो मजा गाड़ी के अंदर क्या आता है। जिस गाड़ी में अगर RPM ड्रॉप हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो उस गाड़ी को चलाने में इतना मज़ा आएगा बाद में कि बाय गॉड मजा आ गया, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से साफ़ कराओगे तो। बाकी इसमें से ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, तो खुजली थी, तो इसकी वजह से मैंने इसको खोल के, अब मैंने जब मैंने उसको आधा क्लीन कर दिया, तो मैं इसको पूरा क्लीन करके लगाऊंगा। मेरी खुद की गाड़ी है, ऐसा नहीं कि ऐसे लीपापोती करके लगा दिया, तो जितना हो सकता है इसको भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ से, इस वाले कार्बन को भी कोशिश करता हूँ, निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में कुछ होगा जो देखा जाएगा। देखो थ्रोटल बॉडी साफ़ कर ली है, और ये हमारा सेंसर है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ कर लिया मैंने इसको पेट्रोल और डीजल से, और ये हमारी थ्रोटल बॉडी पूरी पैक कर दी है ना, कंप्लीट है, साफ है बिल्कुल। अब इसको लगाना बाकी है, तो ये गंदे हैं, ये जो दिख रहे हैं ना स्पॉट छोटे छोटे छोटे, ये इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि डीजल के हाथ हो रखे हैं, तो मैं इधर उधर हाथ लग रहे हैं ना गाड़ी पर, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो सेंसर की पोजीशन वापस यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ये यहाँ से साफ़ है बिल्कुल, नीट एंड क्लीन है, इधर से भी थोड़ा बहुत हल्का कपड़ा मार दिया डीजल का, साफ़ हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को फटाफट से लगाते हैं, फिर देखते हैं कि गाड़ी में क्या कुछ रेस्पॉन्स आता है। बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और लगा रहा हूँ इसको, ये छोटे छोटे जो इसके नट थे ये स्टड के सहित आ गया था, ये इसको लगा दिया, वापस लगा दिया। अब इनको टाइट करना बाकी रह रहा है, फटाफट से इसको टाइट करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं कि
वाइब्रेशन वगैरह कुछ कुछ फ़र्क पड़ता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आता है क्या? थ्रोटल बॉडी साफ करने से इम्प्रूवमेंट आता है, प्रॉपर तरीके से साफ करने से आता है, 101% आता है, क्योंकि गाड़ी की मिसिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी छोटी मोटी, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है ना। तो वैसे कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर, फिर भी देखते हैं कि क्या कुछ फ़र्क आता है। बाकी वो नकली सी चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, आगे ये पड़ी, ये अच्छा ब्रांड है लेकिन पता नहीं ऊपर ऊपर से साफ हो रहा है, अंदर की तरफ से रह रहा है, तो ये क्यों था इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी इस वाली गाड़ी के अंदर इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी वेगनार भी करी थी मैंने, उसमें इसका रिजल्ट अच्छा आया था, इसमें कार करनी थी टाटा में। सो फाइनली थ्रोटल बॉडी लगा दी है, आप नोटिस कर सकते हो बिल्कुल कंप्लीट है, और ये वाला बैटरी वायर मैंने टर्मिनल जड लगा दिया है, सारी वायर सारे कपलर मैंने जोड़ लगा दिए, अब लगाते हैं इसमें सेल्फ और देखते हैं कि क्या कुछ इसका टाइम वगैरह सब वस्त वस्त हो गया। लगाते हैं सेल्फ और प्रेस करा मैंने क्लच, बिल्कुल पहले भी नहीं थी इसमें कोई प्रॉब्लम, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये लगा देता हूँ इसके एयर फिल्टर असेंबली, फिर इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं कि क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आया। पहले की कंपैरिजन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट था इसके अंदर, 4 साल का कचरा सारा था, तो वो मैंने सारा कुछ निकाल दिया आज, तो इसको लगाते हैं फिर देखते हैं कि रॉकेट बनती है या उसके जैसे गधे जैसे चलती है मर मर गए। तो एवरीथिंग इज़ डन, सारा काम कंप्लीट है, एयर फिल्टर असेंबली इंस्टॉल कर दी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे लग के आई थी कंपनी से, और ये थ्रोटल बॉडी पहली बार खोली थी ना, फर्स्ट टाइम खोली थी गाड़ी से, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है और 100% वापस जैसे तरीके से लगी हुई थी उस तरीके से वापस लगा दी है, और अब लगाते हैं इसमें सेल्फ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और फिर बताता हूँ क्या रेस्पॉन्स है। तो ये फाटक खोली हमने और ये लगाया सेल्फ, देखो पहले भी सब कुछ सही था इसके अंदर, अभी भी बिल्कुल सही है, तो देख लो कोई फर्क नहीं पड़ा वाइब्रेशन में, क्योंकि ये उतना ही डांस कर रहा है जितना पहले नाच रहा था, अभी उतना ही नाच रहा है। ये 3 सिलेंडर है, वो भी टाटा का, वो भी स्टार्टिंग के लोड की गाड़ियाँ हैं, 18-19 के मैन्युफैक्चर के टाइम की गाड़ियाँ, 19 में ली थी हमने, तो उस टाइम की गाड़ियाँ, तो इनमें मतलब कि मान के चलो टाटा की निशानी है कि हाँ वो चीज़ें है, कैरी फॉरवर्ड करती थी ये गाड़ियाँ कि ये गाड़ी टाटा की है, लेकिन आज के ज़माने की जो गाड़ी आ रही है टाटा की, अभी के टाइम की जो गाड़ी आ रही है ना, ये इतना नाच रहा है ना, आज के टाइम प्रेजेंट टाइम की गाड़ी आप लेके देखो, टिगोर, टियागो, नेक्सॉन, पंच, कुछ भी कोई सी भी गाड़ी उठा के देख लो, पेट्रोल इतना डांस नहीं करता इंजन, बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट होता है, अभी के टाइम में आप गाड़ी ले सकते हो। बाकी क्या था थ्रोटल बॉडी का आउटपुट ये आपके सामने है, बाकी आप कमेंट करके बता देना, मैकेनिक भाई देख रहे हो या आप अपनी गाड़ी पे गुस्से करना चाहते हो, तो सब जो भी हो ना आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना, मेहनत करके बनाई आप लोगों के लिए। बाकी वो उसमें कुछ नहीं, 200 रुपये लगे मेरे, पैसा उसमें लगाया, बाकी ये मेरी खुद की मेहनत थी, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हमेशा सीट बेल्ट पहनना, बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना, क्योंकि वो चीज़ें आप ही की सेफ्टी के लिए बनी है। बाय बाय। Thank you.